अगर मैं कहूं कि आज का वीडियो देखने के बाद मच्छर आपको काटना तो दूर घर के पास भी नहीं आएंगे तो क्या आप यकीन करेंगे? तो सही सुना आपने, आज तड़का विद स्टाइल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही खतरनाक मच्छरों को भगाने का ऐसा घरेलू नुस्खा जो एक बार अगर आपने आजमा लिया तो फिर आप जरूर से वापस इस चैनल पर आकर थैंक यू कहेंगे, क्योंकि इतना असरदार ये नुस्खा है जो आपको बड़ी से बड़ी मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचाएगा। अभी जो गर्मियों का सीजन चल रहा है और कभी कभी बारिश भी हो जाती है तो ये बिल्कुल मच्छरों के पनपने का सीजन है, और घर में हम हमारे बच्चों को अगर मच्छरों से बचाना चाहते हैं तो ये नुस्खा जरूर से हमें ट्राई करना चाहिए। तो आज का वीडियो देखने के बाद आप बाजार से कभी भी केमिकल युक्त महंगे महंगे कीटनाशक या ऑल आउट वगैरह खरीद के नहीं लाएंगे। और इसे बनाना कैसे, चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमें इसमें चाहिए वह है नीम की पत्तियां। नीम के गुण तो हम सभी जानते हैं, बहुत ही आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। पेड़ से नीम के पत्ते तोड़िए, उसे सुखा लीजिए और ये हमारा पहला इंग्रेडिएंट तैयार है। तो नीम में बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और इसका जो कड़वापन होता है, जो स्मेल होती है, वो मच्छरों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको यहां लेनी है नीम की पत्तियां और इसे, जैसे कि मैंने कहा, अच्छे से सुखा लेनी है ताकि जब हम इसे पीसे तो एकदम बारीक पाउडर इसका बनकर तैयार हो जाए। नेक्स्ट जो इस घरेलू नुस्खे में हमें चाहिए वो है कपूर। जी हाँ, कपूर यानी कैम्फर बहुत ही आसानी से सभी के पूजा घर में मिल जाता है। इसकी खुशबू इतनी औसम होती है। कपूर आपके पास टिकिया के फॉर्म में हो या फिर देसी कपूर हो, दोनों ही आप ले सकते हैं। बस ध्यान इतना रहना है कि कपूर नया होना चाहिए, क्योंकि पुराना कपूर होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, उसमें इतनी स्मेल नहीं आएगी जो हमारे को भगा सके। तो आप सभी जानते हैं कि कपूर कितना फायदेमंद होता है, घर में नेगेटिविटी भी हटाता है, तो कपूर भी इसमें डाल देते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए प्याज के छिलके। जी हाँ, प्याज के छिलके जो हम फेंक देते हैं, कि आपको पता है कि ये मच्छर को भगाने में कितने उपयोगी हैं। तो इस तरह प्याज के छिलकों को मैंने सुखा लिया है, आपको भी इसी तरह सुखाना है, क्योंकि हमें इसका पाउडर बनाना है तो इसलिए इनका मॉइस्चर निकलना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इसे भी हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अब आपको लग रहा होगा कि हम इसमें क्या क्या मिला रहे हैं, पर आप जानते हैं प्याज की कितनी दुर्गंध होती है जो मच्छरों को बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसे भी हमारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर लेते हैं और अब देखते हैं कि और आपको मच्छर को भगाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो देखिए, जो भी सामान मैं आप बता रही हूँ बहुत ही आसानी से आपके घर में मिल जाता है। और अब बारी है लौंग की। तो लौंग आपको पता है कि कितनी इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है और मच्छरों को भगाने में ये भी बेहद असरदार होती है। तो घर की चीजों से अगर आप ये नुस्खा बनाएंगे तो केमिकल्स से तो बच जाएंगे, साथ ही आपके पैसे की भी बचत होगी और सबसे बड़ी बात, ये घर की शुद्धि भी करता रहेगा, क्योंकि इसका जो धुआं उठेगा वो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट आपके घर को बनाने वाला है। और लास्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें मिला रहे हैं वो है तेजपत्ता। जी हाँ, वही तेजपत्ता जो हम पुलाव वगैरह में, सब्जी वगैरह में जिसका छौंक लगाते हैं, ये भी बहुत असरदार है। अब सारे ये इंग्रेडिएंट्स हमें मिला लेने हैं और आप इन्हें एक मिक्सर जार में ट्रांसफर करना है और इसका एक बारीक पाउडर बना लेना है। तो ये पाउडर आप खूब सारा बनाकर स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको लगे कि कहीं मच्छर मक्खी ज्यादा हो रहे हैं, इसे जलाइए और इसका असर देखिए। देखिए, इस जार में मैं ये सभी इंग्रेडिएंट्स को डाल रही हूँ और अब हम इसका एक बारीक पाउडर बना लेंगे। तो जितना हो सके आप इसको बारीक करिए और फिर देखिए इसका असर। तो फ्रेंड्स, तड़का विद स्टाइल पर रेसिपीज के साथ हम ये वायरल किचन टिप्स, किचन हैक्स भी लेकर आते रहते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और देखिए, इस तरह बारीक पाउडर हमने बना लिया है और अब इस पाउडर को आप बहुत बहुत सारा बनाकर सारे मच्छरों की छुट्टी कर सकते हैं। बस स्टोर करते वक्त ध्यान इतना रखना है कि जिस बॉटल में आप इसे स्टोर कर रहे हैं उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखी बॉटल में आप इसे महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो देखा आपने, बिना किसी खर्चे के हमने कितना पावरफुल नुस्खा यहाँ मच्छरों को भगाने के लिए तैयार कर लिया है, जो मच्छरों को तो भगाएगा साथ ही इसका धुआं जो है वो आपके घर की वाइब्रेशंस को भी साफ करता रहेगा। तो चलिए अब आती है बारीकी से यूज कैसे करना है। तो कोई भी मिट्टी का पुराना दिया ले लीजिए, ना हो आप कोई भी मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, कुछ भी वेस्ट ले सकते हैं। और देखिये, यहाँ रेसिपी शूट कर रही हूँ तो एक सुंदर सा दिया भी मैंने यहाँ पर लिया है। कोई भी पुराना दिया ले सकते हैं और फिर जो हमने यहाँ पर मिक्सचर तैयार किया था मच्छरों को भगाने के लिए, उसे एक एक चम्मच भर के इन सभी दियों में डाल देना है। तड़का विद स्टाइल पे कोई भी चीज हम बिना ट्राई किए बिना नहीं लाते हैं फ्रेंड्स। तो ट्राई करा है इसीलिए ये वीडियो लेकर आए हैं, ताकि ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो। आप इस तरह के दिए बना बनाकर घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं जहां आपको लगता है कि मच्छरों का ज्यादा प्रकोप है, और फिर खिड़की के पास इसे रख देंगे तो मच्छर अंदर तो नहीं आएंगे, बाहर के जो मच्छर अंदर घुस गए हैं वो भी भाग जाएंगे। तो है ना, एकदम कमाल का नुस्खा, तो जरूर से ट्राई करिएगा। और अब इन तीनों दिए में मैंने एक एक टिकिया कपूर की डाल दी है और बारी है इसे जलाने
की, धुआं करने की और मच्छरों को भगाने की। तीनों दियो को जलाते हैं और देखिए जलते के साथ ये कितना धुआं यहाँ पर निकलने लगा है। तो यही धुआं है जो आपके घर के मच्छरों को भगा के आपके घर को रखेगा हेल्दी और साथ ही घर में रहने वालों को भी बीमारियों से बचाएगा। आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर करिएगा और फिर मिलेंगे यहीं तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड याद रखिएगा आते रहना है तड़का विद स्टाइल पर। बाय बाय।